साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर टनल के अंदर की मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में तमाम मजदूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह 3:53 के सामने आई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही ये वीडियो भी आपको कुछ ही पल में दिखाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आप ये तस्वीरें देखिए, ये वही है, ये वही एक्सक्लूसिव फुटेज जो कि सामने आया और इसमें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर सभी मजदूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि मजदूर कैसे हैं, क्या सुरक्षित हैं या फिर कोई खतरा तो नहीं है इनको, लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर आपको राहत मिलेगी, खुशी होगी, क्योंकि 10 दिन इनके हिम्मत और इनका जज्बा और साथ ही प्रशासन की लगातार जो कोशिशें हैं उसके चलते सभी मजदूर अभी सुरक्षित हैं। अब देखिए 2 से 2.5 दिन का वक्त यहां पर और लगने की बात कही जा रही है, जिसके बाद में सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो मजदूर हैं, हालांकि इनकी जो संख्या है वो 41 है, लेकिन यहां पर हमने नंबरिंग भी की गई है कि जो फुटेज सामने आया है उसमें कितने मजदूर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये सुबह 3:53 की तस्वीरें हैं, टनल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि कितने मजदूर इसमें मौजूद हैं। हालांकि 41 संख्या है, लेकिन आप कुछ आगे और कुछ पीछे मजदूर खड़े हैं, तो इस बीच जितने मजदूर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उतनी नंबरिंग करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और आपको इससे खुशी भी मिलेगी और ऐसे में परिवार वालों के लिए भी एक अच्छी खबर इसे मान सकते हैं, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा आक्रोशित है, गुस्से में भी देखे गए। अब प्रशासन की हिम्मत भी और ज्यादा बढ़ गई है। अब कोशिशें लगातार पहले भी की जा रही थी, लेकिन अब इसमें तेजी लाई गई है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आपको वो मजदूरों की दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त सही सलामत है, सुरक्षित है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम मशीनें इस वक्त मौके पर मौजूद है। 5 रास्ते बनाए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। 5 रास्ते बनाए जा रहे हैं, हालांकि एक रास्ता मिल गया है टीम को, जिसके जरिए एक पाइप अंदर तक पहुंचाया गया है, सीधे कनेक्ट हो पाए हैं मजदूरों के साथ में और उसी के जरिए अब खाना भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो 5 और रास्ते बनाए जाएंगे उसके जरिए भी कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि आप कोई एक विकल्प भी यहां पे टीम खाली नहीं छोड़ना चाहती। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये एक और नई तस्वीर देखिए, जिसके अंदर बॉटल्स में खिचड़ी भरी जा रही है। ये कल शाम की तस्वीरें हैं, जब एक रास्ता मिला था, 6 इंच का पाइप मजदूरों तक पहुंच गया था। तो उसके बाद में, क्योंकि इससे पहले जब सूखे मेवे भेजे जा रहे थे, तो जानकारी ये भी मिली कि कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है, कुछ लोगों को उल्टी की भी समस्या हुई। ऐसे में खिचड़ी उन तक पहुंचाई जा रही है डॉक्टर्स की सलाह पर। ये कल शाम की तस्वीर है। अब मजदूरों तक खाना भी पहुंचा दिया जाएगा, तो थोड़ी सी जो अभी तक असुविधा हो रही थी खाने के चलते, वो भी अब दूर होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। पहली तस्वीर, जिसमें आपको मजदूर सही सलामत नजर आएंगे, ये थोड़ी राहत देने वाली खबर। दूसरी तस्वीर, ये भी एक अच्छी खबर इसे मान सकते हैं, क्योंकि अब उन तक खाना भी पहुंच पा रहा है। और तीसरी ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मशीनों की तस्वीर है, ये उस जगह की तस्वीर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। 5 रास्ते, कुल 5 रास्ते बनाए जा रहे हैं। सीधे रास्ता भी बनाने के साथ साथ वर्टिकल बोरिंग भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में बलवीर और सत्येंद्र वर्तवाल दोनों हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र वर्तवाल, मैं आपके पास में आऊंगी, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है अभी मौके से? सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है अभी कि और कितना वक्त लगेगा, क्या हालात आप वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन एक जो अच्छी खबर है वो इस बीच आज सुबह की वीडियो जरूर सामने आ गई है, बताइए क्या अपडेट? बिल्कुल अमनदीप, जो आज वीडियो सामने आए हैं, जो अंदर की एक पहली तस्वीर सामने आई है, जो अपने दर्शकों को न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है, ये एक राहत भरी खबर है। इतनी बड़ी राहत है कि क्योंकि पिछले 10 दिन से वो मजदूर अंदर हैं और उनके परिजन बाहर हैं, यानी कि अब परिजन जो बाहर हैं उनको भी एक राहत है कि उनके जो परिजन अंदर फंसे हैं वो सुरक्षित हैं और वो सही सलामत है। और जो खाने की हम बात करें तो बोतलों के जरिए उसी पाइप से, जो एक लाइफ लाइन बन चुका है मजदूरों के, उसी पाइप लाइन के
जरिए वो खाना भी आज उनको भेजा जा रहा है, कल से लगातार ही खाना भेजा जा रहा है। मैं आपको सीधे एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि टनल के ठीक आगे एक ट्रक खड़ा है और टनल के से इधर भी दो ट्रक खड़े हैं। इनमें ये 22-22 इंच के वही पाइप हैं जिनको ऑगर मशीन के जरिए अंदर डालने की कोशिश की जा रही थी। भले ही ऑगर मशीन अभी थोड़ा बंद है, लेकिन उम्मीदें ये जताई जा रही है जिस तरीके ये पाइप यहाँ पहुंच चुके हैं, और उम्मीदें अब ये जताई जा रही है कि एक बार फिर जो ऑगर मशीन अंदर टनल के अंदर है, जिसे जिस जो कि करीब 22 से 23 मीटर बताया जा रहा है कि वो अंदर पहुंच चुकी है, और कुछ ही मीटर यानी कि जो कल पाइप गया था, जो लाइफ सपोर्टिंग पाइप जो कल गया था, वो करीब 53 मीटर बताया जा रहा है कि 53 मीटर अंदर है। तो यानी कि 53 मीटर का जो गैप है वो ऑगर मशीन के जरिए भी, क्योंकि पहला जो प्लान था यही था कि सामने से ही यहां से जो पाइप भेजे जाएंगे उसी पाइप के जरिए रेस्क्यू होगा। तो ये जो पहला प्लान रेस्क्यू का था उसको एक बार फिर दोबारा से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि विमान द्वारा जो ऑगर मशीन खराब हुई थी उसके जो पार्ट्स है वो विमान द्वारा देहरादून पहुंच चुके हैं और आज दिन तक वो यहां आ सकते हैं। तो जिसके बाद एक बार फिर ऑगर मशीन का भी सहारा लिया जाएगा जिसके लिए पाइप यहां पे पहुंच चुके हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात चल रही थी, ऊपर से टनल के ठीक ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है वो 1.2 डायमीटर की जो एक बड़ी ड्रिलिंग होनी है, जिसके लिए गुजरात और उड़ीसा से जो मशीनें हैं वो भी संभवतः आज हवाई जो विमान द्वारा देहरादून या चिलियाली सौर पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है, और जिसके बाद यानी अगर वो मशीनें पहुंच सकती हैं जल्द पहुंची तो कल से जब जब जैसे ही मशीन यहां पहुंची तो उसके बाद वहां से भी वर्टिकल ड्रिलिंग भी पहुंच की जाएगी, जिससे कि जो अंदर फंसे 41 जिंदगियां हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा। साथ ही वहीं जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी उसी से करीब 5-7 मीटर पहले एक और वर्टिकल ड्रिलिंग जो आज संभवतः शुरू हो सकती है, क्योंकि उसकी ऑपरेशन को लेकर मैं आऊंगी आपके पास में, उस पर भी जानकारी लूंगी। लेकिन बलवीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बलवीर का रुख कर लेते हैं। बलवीर, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, ये राहत भरी खबर है, सही सलामत सभी नजर आ रहे हैं। उसके बाद में ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि जो लोग एक आम इंसान की तरह इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए थे उनके लिए भी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि हर कोई परेशान था। 10 दिन हो चुके हैं, क्या होगा आगे, कई तरह के मन में सवाल थे। लेकिन मजदूरों से बातचीत की भी जानकारी मिली थी कि बातचीत भी लगातार की जा रही है पाइप के जरिए, तो किस तरह की बातें अंदर मजदूरों की तरफ से कही जा रही हैं उस बारे में भी क्या कोई अपडेट है? बिल्कुल, मजदूरों के साथ लगातार वार्ता की जा रही है, उनका हाल पूछा जा रहा है, जो अधिकारी है उन्होंने भी वार्ता की है, जो डॉक्टर की टीम है वो भी वार्ता कर रही है। इस समय तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे टनल की बाहर पे, जब से ये खबर आई है तो परिजन भी अपने जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए उनसे मिलने के लिए टनल के बाहर पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हो वहाँ पे जो जवान तैनात किए गए हैं उनसे वार्ता की जा रही है परिजनों द्वारा, और परिजन चाहते हैं कि हम भी वो तस्वीरें देखें, हम भी उनसे बात करें, मजदूरों से जो 40 मजदूर अंदर फंसे हैं, जो अपने उनके घर वाले फंसे हुए हैं उनसे बात करने के लिए टनल के बाहर है। और ये परिजन है, जब से ये खबर आई है और तब से परिजन भी काफ़ी राहत उन्हें मिली है, वो भी अपने जो फंसे हुए हैं अंदर मजदूर जो अपने उनके परिवार वाले हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो इसमें वार्ता की जा रही है, जो ITV के जवान हैं जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी है जो अंदर प्रवेश कराते हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनसे बात की जा रही है कि हमारी बात कराई जाए। और वहीं पर ठीक आप मंदिर देख सकते हो, वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। तो कह सकते हैं कि एक राहत की खबर, बड़ी खबर है ये कि तस्वीरें जिस तरह से सामने आई है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि मजदूर सभी खड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू कार्य है पूरा हो और